ये देखिए इसमें केले के छिलके हैं। अब सारे छिलकों का मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं, इनको सुखाने भी नहीं रख सकती, पता नहीं कब मेरा ऊपर आना हो या फिर कब मैं इसको पीसूँ या कुछ भी करूँ, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं इस कंटेनर में इसको डालूँगी और इसमें पानी भर के इसको ढक करके रख दूँगी। ये इसमें डिकम्पोज होता रहेगा, इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो जाएगा और कभी भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पानी में डाइल्यूट करके इसको थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट में दे दूँगी। और ये देखिए ये है दही का पैकेट, इसमें दही तो हम खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत इसमें बची जाती है, उसको मैंने रख दिया था। देखिए इसको मैं अच्छे से इस पानी में घोलूँगी। और ये बिल्कुल खट्टी हो चुकी है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी और डाइल्यूट करूँगी और उसके बाद इसको चाहे मैं टमाटर के प्लांट में दे दूँ या अडेनियम के प्लांट में दे दूँ, कहीं जहीं थोड़े बहुत मिर्च लगा के रखें उसमें दे दूँ। ये कैल्शियम की पूरी कमी करता है, कमी पूरी करता है। किसी भी लीफी प्लांट में दे सकती हूँ, तुलसी जी के प्लांट में दे सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने घर की चीज़ों का यूज करती हूँ। मैं बहुत तैयारी बहुत प्लानिंग के साथ नहीं करती और मेरे प्लांट ऐसे चलते रहते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। तो कैसे हो आप सब, आई होप बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे और मैं भी मस्त हूँ। शाम के टाइम इवनिंग के टाइम आई हूँ अपने गार्डन में। तो मैं आज कुछ काम तो वैसे भी मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ करके मैं दिखा भी नहीं सकती आपको, लेकिन मैं आज अपने गार्डनिंग के कुछ अच्छे अच्छे टिप्स आपसे शेयर करूँगी, जिस जो आपको बहुत आपके गार्डनिंग में काम आएगा और जो कि मैं करती रहती हूँ। आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे, क्योंकि जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट नहीं किया था, मैंने शौक़ तो मेरे को हमेशा से था, पर मैं यूट्यूब पे मैं वो उसी तरह का वीडियो देखती थी जैसा कि वीडियो मैं बनाती हूँ, और वही देख के मैं अपना गार्डन, मेरा गार्डन एक साल में ही बहुत सुंदर सा ग्रो हो गया था। मैंने अपना गार्डन एक साल में ही यूट्यूब देख के वहाँ से आइडियाज़ ले लेके मैंने बहुत सारे प्लांट और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट, हेल्दी प्लांट मैंने अपने गार्डन में ग्रो कर लिए थे। तो जो छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करो तो बहुत सारी चीज़ें, मेहनत से भी आप बचोगे, ज़्यादा खर्चे से भी बचोगे, और सबसे बड़ी बात है मेहनत खर्चा साइड में, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल प्लांट्स आपके सामने आपको दिखाई देंगे, जैसे कि मेरे गार्डन में दिखाई। आप खुद देख सकते हो कि आज 10-11 दिन मेरे को हो गए मेरे सर्जरी के लिए, 3-4 दिन के बीच में एक आध बार इनमें पानी डल जाता है बस। तो ये साक्षात एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि मेरी तरह गार्डनिंग करने में क्या फ़ायदा है कि आप कुछ दिन के लिए कहीं चले भी जा रहे हो, तो आपके प्लांट्स ऐसे हेल्दी हरे भरे बने रहेंगे बिना किसी देखभाल के, बिना किसी खाद फर्टिलाइज़र के, बिना किसी कटिंग छटिंग प्रूनिंग के। मैं थोड़े बहुत पीली पत्तियां हटा देती हूं, पर बहुत कम बहुत कम, बहुत देर तक मैं रुक ही नहीं पाती गार्डन में। तो ये सब आप देख सकते हो, तो इसका इसके पीछे जो राज है बस वही है कि किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट। आप ये मेरे हर पॉट में आप देखिएगा कि देखिए सूखे सूखे पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये देखिए ये जो मैं पत्तियाँ हटाती हूँ मैं पॉट में ही डाल देती हूँ, पॉट में ही डाल देती हूँ और वो सूखते रहते हैं उसमें। और जब भी मैं कोई नया पॉट रेडी करती हूँ, एक तो वो जब तक इसमें हैं आप पानी डाल रहे हो तो इसके साथ इसको फर्टिलाइज़र भी मिल ही रहा है, और जब मैं नया पॉट तैयार करती हूँ तो मैं इनकी सफाई भी कर लेती हूँ, जैसे इनको पूरा हटा के मैं उस पॉट के नीचे डाल देती हूँ और इनकी गुड़ाई कर देती हूँ। फिर आपको फिर से आप गार्डन की प्रूनिंग तो होती ही रहती है, पीली पत्तियाँ निकलती ही रहती हैं, फिर से वापस मैं उनमें इकट्ठा करती जाती हूँ। तो ये छोटे छोटे काम, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, आपने यहाँ से पत्ती निकाला यहाँ डाल दिया, कहीं इधर उधर आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपके सारे कचरे सेफ होते रहते हैं। तो
मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके घर से गार्डन से वेस्ट निकलता है बिल्कुल मत फेंकिए फ्रेंड। मेरे पास कोई भी कंपोस्ट बिन नहीं है। कंपोस्ट बिन क्या होता है मुझे पता भी नहीं है। सिर्फ कट्टों में, बाल्टियों में, मटकों में, या ज़्यादातर मेरे जितने पॉट हैं उनके नीचे नीचे हर पॉट में मेरा कंपोस्ट बनता रहता है। मैं उनकी रिपोर्टिंग करती हूँ, नीचे मुझे अच्छा सा खाद मिल जाता है दूसरे पॉट के लिए, और फिर उसमें मैं किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, गत्ते ये सब डाल के, और ये जो गत्ते होते हैं ना, कागज़ के टुकड़े होते हैं, बहुत काम की चीज़ होती है, बिल्कुल मत फेंकिए। जो ऑनलाइन आप सामान मंगाते हैं उसमें जो भी वो जो कार्डबोर्ड आते हैं वो बहुत काम के होते हैं, उनको छोटा छोटा टुकड़ा करके आप अपने कंपोस्ट में डाल दीजिए। कई फ़ायदे हैं, तो मिट्टी आपकी बहुत अच्छी बनती है और बहुत सुंदर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं वो जो गत्ते होते हैं, और कभी कभी क्या किचन वेस्ट आप जो बनाते हो उसमें से बदबू तो आएगी, वो सड़ेगा गलेगा, तो ये गत्तों की वजह से उसमें बदबू भी नहीं आती क्योंकि वो उसके जितने भी मॉइस्चर होता है उसको सोख लेता है, तो उसमें एक बहुत अच्छी सी भुरभुरी सी खाद जल्दी से बन के रेडी होती है। मैं किसी भी प्रकार का रैपर, कागज़, कोई लिस्ट है, कोई पर्ची है, मैं कागज़ के नाम पे कोई भी टुकड़ा, कोई खाने का सामान आया है, मैं नहीं फेंकती, वो सब मेरे कंपोस्ट में जाते हैं, उसके बाद वो अच्छी सी मिट्टी में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैं कम से कम 2 साल से मैं कहीं से मिट्टी नहीं लाई हूँ, 2-3 साल ही हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा, मुझे याद नहीं कि मैं मिट्टी कब बाहर से लेके आई थी। प्लांट तो मेरे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन मैं मिट्टी कभी कहीं से मतलब काफ़ी टाइम से मैं ला नहीं रही हूँ, मेरे को आगे भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ इन गत्तों की वजह से। घर पे काम चलते हैं, घर पे जैसे काम चलते हैं मेरे, कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम चले तो उसमें जो टाइल्स आते हैं तो टाइल्स कागज़ के गत्तों में ही पैक करके आते हैं, वो सारे गत्ते मैं रख दी साइड में, उनको जला के आप उनका राख भी बना सकते हो और कंपोस्ट में भी आप मतलब उसका यूज कर सकते हो। ये जो टहनियाँ निकलती हैं, लकड़ियाँ निकलती हैं, देखिए जो मैंने यहाँ पे करेले के बेल के लिए इसको लगाया है, ये मेरा गार्डन का ही वेस्ट है, मैं कहीं से बाहर से नहीं लाई हूँ, मेरा कनेर का पेड़ था बाहर में, ये उसका है। तो हर चीज़ हमारे गार्डन में यूज होती है, और ये इन कचरों की वजह से ही ये गार्डन इतना हेल्दी चलता है कि इन लोगों को बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे इनके जड़ें नीचे जाती हैं इनको बहुत अच्छा सा रेडी फर्टिलाइज़र इनके जड़ों को गमले के अंदर ही मिल जाता है। ऊपर से कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ना भी दो, पानी ही मिल जाए 3-4 दिन में, तो प्लांट में ना कीड़े फंगस कुछ भी नहीं पड़ते। जो नेचुरल खाद होता है वो कहीं से आपकी मिट्टी को डेड नहीं करता, डैमेज नहीं करता, वो मिट्टी हमेशा आपकी उपजाऊ बनी रहती है। मतलब कीड़े फंगस मेरे प्लांट में भगवान की दया से बहुत कम लगते हैं, बहुत कम। बस ये मैं थोड़े थोड़े राख, हल्दी पाउडर, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं मैं यही यूज़ करती हूँ, और इसकी वजह से मैं थोड़े टाइम के लिए कहीं घर भी चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, मेरे प्लांट डेड नहीं होते, ख़राब नहीं होते किसी भी मौसम में। तो बस फ्रेंड, आज की यही थी मेरी शेयरिंग, कैसी लगी आपको आप कमेंट करके बताइए, और जो भी पहली बार हैं तो प्लीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ सब्सक्राइब करके जाएं, सपोर्ट करें हमें, और अच्छे अच्छे हमारे गार्डनिंग के लिए हमारे चैनल से आप टिप्स ले सकते हैं। अगर सच में आपको गार्डनिंग करना है, नेचुरल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है, जीरो बजट गार्डनिंग करनी है, तो उनके लिए मेरा वीडियो बहुत काम का होता है। आप चाहे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं या आगे भी देखते रहें, आपको मिलते रहेंगे। मैं जो करती हूँ मैं वही आपको बताती हूँ, कुछ भी उसमें, क्योंकि मेरे को ये सब आता ही नहीं है कि मैं करूँ कुछ, दिखाऊँ कुछ, नहीं आता, जो है सो है, कुछ भी सोच के नहीं, कुछ भी प्लानिंग पे नहीं, जैसा कि मैंने गार्डनिंग करना यूट्यूब देख के सीख। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, बाय।